नाम के साथ एक डिलीशियस रेसिपी बनाई जाए। एंड गाइस बिलीव मी, इसको बनाना बहुत इजी है। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर लिखा दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब एक ही बार होता है, लाइक आप हर बार वीडियो को एक एक बार करिए, सब्सक्राइब लाइक टाइम में एक ही बार होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी मिल्क। सो मिल्क मैं यूज़ करूँगी अराउंड 1 कप, और ये बॉइल्ड मिल्क है जो अच्छे से चिल्ड हो चुका है। सो 1 कप ऑफ मिल्क। इतना सफिशेंट रहेगा। नाउ आई विल ऐड 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर। एंड गाइज, ये डिपेंड करता है कि शुगर की क्वांटिटी आप क्या रखें। अगर मैंगोज़ बहुत स्वीटन है तो आप शुगर की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून शुगर। एंड यहाँ पर मैंने कुछ रफली चॉप मैंगोज़ लिए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मैंगो होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर आराम से 2 से 3 लोगों के लिए मैंगो मस्तानी बन जाएगी। Now into this I will put around 200 ml of ice cream. So इससे जो शेक की कंसिस्टेंसी होगी वो काफ़ी थिक बनेगी। आपको थिक कंसिस्टेंसी वाला शेक बनाना है। ओके, नाउ वी विल ब्लेंड दिस इंटू मिक्सर। सो गाइस, see our thick milkshake is ready. Now we are going to just decorate our glass. So in a glass just pour some chunks of mango. ये देखिए, मैंने square shape में कुछ mangoes यहाँ पर chop करके रखे हुए थे। Just pour them. Now I will put some cherries over it. यहाँ पर मेरे पास 2 फ्लेवर्स की हैं, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये ऑप्शनल है। सम कैश्यूज। एंड नाउ आई विल पुट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ये वनीला फ्लेवर है। एंड नाउ आई विल पुट आवर शेक। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, नॉर्मल जो शेक होता है उससे थोड़ा सा थिकर। दैट्स इट। नाउ आई विल पोर अगेन 1 स्कूप ऑफ आइस क्रीम। एंड नाउ आई विल पुट सम मैंगो चंक्स। See, and now our mango mastani is ready to eat.